चार दिन घटनाक्रम चला, वो आपने सबने अपनी आंखों से देखा। एक दो बात मैं कड़ी बोलूंगा उन माँ बाप को और उन मेरी बहनों को, कड़ी तो वो लगेगी पर इलाज है ना, टेबलेट हम लेते हैं तो खारी से ही होता है, मिट्टी खाने से तो डायबिटीज होती है, बीमारियां बढ़ती है, खारी टेबलेट से ही इलाज होता है। मैं मेरे समाज के जितने भी होनहार लोग हैं, मेरे जैसे अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा मैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा ऊपर समझते हैं, जो हम आम राजपूत हैं, हम आम राजपूत हैं, आम ठाकुर हैं, आम क्षत्रिय हैं, उनसे थोड़ा वो अपने आप को ऊपर हाई सोसाइटी में समझते हैं। मेरा उनसे कहना है कि आपकी सोसाइटी बढ़ गई पूछड़ में। अरे मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक सातवीं क्लास में आठवीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है, दसवीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है, प्लस वन प्लस टू में बच्ची पढ़ रही है, और उसको एंड्रॉइड फोन जिसकी कीमत 60-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, 40 हजार रुपए का मोबाइल लेकर के वो स्कूल कॉलेज जाती है, तो तुम्हारी आंखें फूटी हुई है क्या? हमारी बहन, हमारी भाई, हमारी बेटी सातवीं आठवीं में दसवीं में पढ़ने के लिए जाती है और उसको एंड्रॉइड फोन दे रखा आपने, तो आपकी फूटी हुई है क्या? कॉलेज स्कूल हम उनको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं या फिर कोई बिजनेस चल रहा है वहां मोबाइलों से? बिजनेस करना है क्या उनको मोबाइल से कि 10 मिनट मोबाइल पे बात नहीं होगी तो वो लेट हो जाएगी? अरे तब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे तभी तो जिंदगी जिया करते थे लोग। तो मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि हमारी बहन बेटियों को ये मोबाइल देने बंद करो, और 7 दिन के अंदर एक बार उनका अचानक जो स्कूल बैग है, स्कूल का जो थैला है, जो स्कूल की किताबें हैं, वो चेक किया करो। एक दो बार हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है तो तुम ऐसे तो सारे दिन धक्के खाते हो, सारे दिन पड़े रहते हो, कभी बीड़ी सिगरेट फूंकते हो, कभी दारू पीते हो, कभी बियर पीते हो, तो हमारी बहन बेटी स्कूल जाती है तो उसके आगे पीछे कभी एक दो बार जाके देखा करो कि ये रास्ते में कोई इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कहीं हमारी बेटी अलग तो नहीं चल रही। ये फोन है ना, मैं मेरी बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई हूं इसलिए आपके भविष्य के बारे में हमारे क्षत्रिय समाज की जो आन बान शान है उसको कायम रखने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। आपको कड़ी लगेगी इसलिए मैं बोल रहा हूं। रोज रोज आज मामले आ रहे हैं, आज मकराना से दो भाग गई, आज एक कुचामन से भाग गई, आज एक नागौर से भाग गई, एक आज भादरा से भाग गई, आज एक फलाना से पिलानी से भाग गई, आज एक झुंझुनू से भाग गई, आज एक वहां से भगा करके ले गए, आज एक वहां से उठा करके ले गए। कम से कम 2-4 फोन तो डेली आते हैं, लड़ते हैं हम तो सड़कों पर है। अरे हम तो लड़ लेंगे, आप इनको मोबाइल दो, इनको घर से भगाओगे, इनको वापस लाने के लिए हम तो लड़ लेंगे, सड़कों पर पड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो बने इसीलिए ना कि हम तो सड़कों पर लड़ते रहे, तुम लोग भगाते रहो और हम लाते रहे। अरे मेरे समाज के होनहार युवाओं, मेरे समाज के क्षत्रियों, मेरे समाज के ठाकुरों, आपको क्षत्रिय इसीलिए बनाया गया था कि तुम सब लोगों की रक्षा कर सको, सब लोगों को मान सम्मान दे सको। अरे आज तो तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, क्या खाक अन्य समाजों की रक्षा करोगे? मेरे समाज के युवाओं, मेरी समाज की बहन बेटियों, अब 2-4-5 जो फेसबुक व्हाट्सएप की भीड़ है ना,
वो सर्टिफिकेट देने वाली है थोड़ी देर में मेरे को। कोई भी माँ बाप ये कभी अपनी बेटी के बारे में सोच ही नहीं सकता कि ये गलत है। पूरे गांव को पता होता है कि ये लड़की गलत चल रही है, पर अपने माँ बाप को तो वो बेटी है इसलिए सही दिखाई देती है। कोई उलावना देने के लिए आ जाता ना गांव की तो आप छोड़ो, परिवार में ही कोई काका बाबा ही कह देते हैं ना कि यार अपने वाली बच्ची को थोड़ा समझाओ, थोड़ा ठीक रहे। उतने भी को लो लो काको साने बाबो साने मारी बाई पे तो लांछन लगा दियो। अरे थारी बाई मारी नाक कटा दे तो लांछन को लगेगे। मेरी बहन बेटियों से हाथ जोड़ करके आग्रह कि मेरी बहन बेटियों आप सक्षम हो जाओ पढ़ लिख करके, आपके फेरे कर देते हैं या आप कोई सर्विस नौकरी लग जाती हो तो एक क्यों दो फोन रखो ना, कोई मना नहीं करेगा आपको। शादी हो गई अपने घर चली गई वहां एक क्यों दो फोन चलाओ ना, अगले परमिशन देते हैं सास ससुर पति तो रखो ना। आप नौकरी पैसा कर रहे हो रखो फोन, कोई आपत्ति नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो दो दो मोबाइल चार चार मोबाइल रखो, कोई आपत्ति नहीं। पर जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं सातवीं आठवीं दसवीं में, उनको क्या उनका कौन सा बिजनेस है वहां, तो फोन के बगैर वहां काम नहीं चलता। आजकल तो कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं स्कूलों में, मोबाइल की स्कूल में जरूरत ही नहीं है। तो से मेरे समाज से विनती है, हम तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे चाहे समाज की हो चाहे अदर समाज की हो। मैं तो मेघवाल समाज हो कुमार समाज हो धारक समाज हो वाल्मीकि समाज हो नाई हो लोहार हो यादव हो, मैं तो हमेशा हर जगह हम तो लड़ते हैं और लड़ लड़ के पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो, पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो। कहिए गोगा मेरी सारा कद रांध कटेगी इसकी, जहां कुछ भी कोई भी होता है वहां समाज के हजारों लोग लेकर के पहुंच जाता है लड़ने के लिए। मैं तो उनकी आंख की किरकिरी बनकर के भी जी लूंगा, मजाक बना रखा है समाज को। मेरे नौजवान साथियों, जितने भी युवा जितने भी बुजुर्ग जितने भी पत्रकार बंधु जितने भी हमारे हितैषी जिनके कालजे में आग लगी हुई थी, इस आंदोलन में जिनने सहयोग दिया है, उनको सुखदेव सिंह गोगा मेरी झुक करके नमन करता है, उनके मां बाप को नमन करता है कि कोई तो कुछ तो शेर पैदा है राजस्थान के अंदर जो एक आह्वान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ करके भाग करके आ जाते हैं। अरे मेरे को जैसे ही यहां का पता चला, मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी घुटा ने अपने ऊपर तेल डाल लिया आत्मधा करने के लिए, मैं मेरी गुजरात के सारे प्रोग्राम छोड़ करके आ गया। कोई लड़ाई आप लोगों ने चार दिन लड़ी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा का, जो मात्र एक चुने हुए जनप्रतिनिधि थे जो हमारे बीच रोड पर सुते हुए थे, हम उनके बराबर सो रहे थे। जितने हुए जनप्रतिनिधि तो और भी बहुत हैं, वो छक्के हो गए क्या, उनके समाज नहीं लगता क्या, उनकी समाज की बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है क्या, मंच पर वोट लेने हो जब तो बहुत कहते हैं हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं, 36 कौम की बहन बेटी हमारी है। अरे तुम तुम्हारी कौम की बहन बेटी उसके नहीं हो सकते तो कहां हो जाओगे 36 कौम की बहन बेटियों के। नागौर से बीएसपी का पर्चा उठ गया, झुंझुनू से बीएसपी का पर्चा उठ गया, मुझे दुख है क्योंकि मैं गरीबों के लिए दलितों के लिए मैं और मेरे राजेंद्र सिंह जी काकोसा गुड्डा साहब हम लड़े हैं, चाहे जन आवास कांड हो चाहे अन्य काम हो, कुमार समाज के लिए हम लड़े, धानक समाज के लिए हम लड़े, वाल्मीकि समाज के लिए हम लड़े, मुस्लिम समाज के लिए हम लड़े। तो एक राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जिंदा है, जो शेखावाटी के अंदर शेखा जी का झंडा आज भी गाड़ रखा है और उसी शेखावाटी का जन्म मैं हूं, मेरा जन्म है, मैं दमोरे का ही हूं, उदयपुरवाटी विधानसभा का ही। गोगा मेडी तो दादो साहब फौज में थे, आर्मी में होने के कारण वहां जमीनें अलाट हो गई, वो जमीनें नहरी है तो वहां रहने लग गए। बाकी मेरा जन्म भी गांव दमोरा में ही हुआ है, उदयपुरवाटी विधानसभा ही, जहां से मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा विधायक है। मैंने चार दिन में वहां नोट किया है,
छिक्कर में, कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात। मैं एकता की बात कर रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं तो आप कहोगे एक तरफ तो एकता की बात कर रहा है, एक तरफ यह कर रहा है, पर समाज को बता देना चाहिए। वही पत्रकार, वही समाज का चमचा दलाल जो आप पार्टी के अंदर लाइव फांसी खाई थी हमारे भाई गज्जू ने, उसमें तो दलाली कर रहा था ना, वही पत्रकार चार दिन वही आपकी ऐसी की तैसीम करा रहा था शिक्कर में, जो उसमें दलाली में पैसे लिए थे, और सुखदेव सिंह की एक लाइन नाम ही नहीं लिख रहा था, कहीं भी सुखदेव सिंह की नहीं चला रहा था, पर जनता तो सुखदेव सिंह को वहां देख रही थी। तो तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पत्रकार साहब, तू नकली पत्रकार है, तेरे पास पत्रकारिता का कार्ड ही नहीं है। अरे पत्रकार तो और भी थे, फर्स्ट इंडिया थी, जी न्यूज थी, ई टीवी थी, सारा थी, समय थी, आज तक थी, पत्रकार तो वो थे, उनको सुखदेव सिंह दबाव होने के कारण भी उन्होंने न्यूज हमारी चलाई। सैल्यूट करते हैं उन पत्रकारों को। एक बार फिर मेरी बहनों से, आपको मेरी बहनों दुख तो हो रहा है, दुख तो आपको हो रहा है, फिर भी आपको फोन रखना है, मजबूरी है, तो घर के अंदर टेबल के ऊपर सार्वजनिक फोन रखो। ये नहीं कि मिस कॉल आई और फोन लेकर के ऊपर चली गई, कोर्ट में जाके बात कर रही है, मिस कॉल आ गई, घर के कमरे में गई जाकर के बात कर रही है, ये नहीं चलेगा। अब समाज के अंदर मेरी बहन बेटियों, मैं उन सभी अभिभावकों से, माता पिता मेरे दादो साहब बाबो साहब, उनसे सबसे आग्रह करता हूं, समाज का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूं, मैं कोई समाज का ठेकेदार नहीं हूं, तो समाज को आदेश दूं, समाज पर बातें थोपूं, मैं समाज का सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूं, मैं सिर्फ मेरे सुझाव रख रहा हूं। अगर ये सुझाव आपको अच्छे लगे, ये बातें आपको अच्छी लगी हो, तो इस पोस्ट को शेयर करो कि पूरे विश्व में चली जाए।